मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार मुझे गोद में ले। आईसी हुसैनी शिकागो सेंटर का प्रोग्राम डायरेक्टर सैयद हैदर अस्करी जदी बोल रहा हूँ। आज इमाम बारगाह में इंडिया से तशरीफ लाए मौलाना जनाब सैयद हुजरुल इस्लाम जनाब सैयद उरुजुल हसन मीसम साहब तशरीफ पढ़ रहे हैं, और ये इन मजालिस का सिलसिला इंशाल्लाह ट्यूसडे आशूरे तक जारी रहेगा, और इसमें शिकागो लैंड के कसीर तादाद मोमिन तशरीफ ला रहे हैं, और मजलिस का सिलसिला जारी है। मदम उसी नजरी जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी कि पीछे जारी है, और ये मेरा मैसेज है दुनिया और जियो टीवी के जरिए कि इस मैसेज को जो इमाम हुसैन ने दिया था उसको तमाम इस इस्लाम उम्मत के लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए मैसेज है ये। मैं सफीर पाकिस्तान जियो टीवी का भी बहुत बहुत ममनून शाकिर हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके अपने लाइव चैनल के जरिए इस प्रोग्राम को नशर कर रहे हैं, और मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ कि उनकी ये कोशिश काविशें अल्लाह के नज़दीक कबूल मकबूल हों। सादा और रंगीन है दास्तान हरम नहायत जिसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का ने करबला के मैदान में दीन की आबियारी के लिए जो कुर्बानी दी उसकी याद में दुनिया भर में मुहर्रमुल हराम में मजालिस का सिलसिला जारी है। शिकागो में मुहर्रमुल हराम के बड़े इज्तमात मासूम इमाम बारगाह बैतुल इल्म इस्लामिक एजुकेशन सेंटर हुसैनी इमाम बारगाह में जारी हैं। शिकागो में मरकजी मजलिस मुहर्रमुल हराम इस्लामिक एजुकेशन सेंटर हुसैनी इमाम बारगाह में रोज़ाना मुनक़द हो रही है, जिसमें इंडिया से तशरीफ लाए हुए मौलाना सैयद उरुजुल हसन मैसम साहब कबला खिताब फरमा रहे हैं। अंसार रिज़वी सफ़ीर पाकिस्तान शिकागो।